हेलो एंड वेलकम टू दी आई वाई एफ एजुकेशन। सो गाइज, आप लोगों के लिए दो खुशखबरी लाए हूँ आज आने वाले बच्चों के लिए, दोनों ही क्लासेस के लिए, चाहे टेंथ के हों चाहे ट्वेल्थ के हों। पहली खुशखबरी ये कि आप लोगों के एग्जाम अब होने वाले हैं और उसकी हॉल टिकट भी आ गई है। बहुत सारे बच्चे डाउट्स में थे कि हॉल टिकट नहीं आ रहा है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो हमने लगातार अपडेट्स दिए, जैसा भी अपडेट आता रहा है NIOS से और आगे भी देते रहेंगे। सो दूसरा अपडेट ये है कि NIOS एग्जाम्स के जो पेंडिंग एग्जाम्स थे, जो अक्टूबर में होने वाले थे और जनवरी में कंडक्ट होंगे, जिसका डेट शीट आ चुका है और एडमिट कार्ड भी अब आ चुका है। सो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो बाद में बताऊंगा। दूसरी खुशखबरी पहले सुन लो। दूसरी खुशखबरी ये है कि जो पेंडिंग एग्जाम होने वाले हैं उसकी फुल सिलेबस प्रिपरेशन दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, चालू हो चुकी है IYF एजुकेशन की तरफ से। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वहाँ पर ये है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है IYF एजुकेशन, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत टाइम कम है और COVID-19 के चक्कर में बहुत सारी परेशानियां हुई आपको, इसीलिए वहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आ रही हैं। जो लास्ट 3-4 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, उनकी प्रिपरेशन कराई जा रही है और जो आ सकते हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। कोई सिलेबस लेंथी नहीं बनाया जा रहा जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो, बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं विद सॉल्यूशंस, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी दिया जा रहा है जिससे कि आप प्रैक्टिस कर लें और आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। सो अब बात करते हैं NIOS का जो हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, वो डाउनलोड कैसे होगा। सो आप पहले जाएंगे www.nios.ac.in, ये NIOS की वेबसाइट है। गूगल क्रोम पे जाके आप इसको पहले लिंक ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी ये वाली पेज ओपन हो जाएगी। सो आप इस पेज पे जैसे देख रहे हैं, फोर्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में लिखा हुआ है पब्लिक एग्जाम हॉल टिकट। सो आप इस पे क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर तो आपका कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ऐसा पेज ओपन होने के बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एनरोल नंबर लिखा हुआ है। सो आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे जो आपके आईडी कार्ड पे है, उम्मीद है आपको याद भी होगा। सो एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे एंड आपका ये एडमिट कार्ड ऐसा नजर आएगा। ये एडमिट कार्ड ओपन हो गया है, आप इसको डाउनलोड कर लें और साथ ही साथ प्रिंट कर लें। और एक और अच्छा रहेगा कि आप इसको लैमिनेट भी कर लें, क्योंकि ये डैमेज होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि पेपर है। सो एक और इम्पॉर्टेंट बात, एडमिट कार्ड तो अपना आपने डाउनलोड कर ली, जैसे आप देख रहे हैं प्रत्येक पेपर, जैसे आप यहाँ साइंस देख रहे हैं, मैथ्स देख रहे हैं, तो यहाँ इसके आगे दो डेट्स हैं, 14, 17, 16, 18 ऐसे करके। तो जो दो डेट हैं, क्या इन दोनों डेट पे एग्ज़ाम होगा या कब एग्ज़ाम होगा, ये डाउट रहता है मोस्टली बच्चों को। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छी बात ये कि जैसे आप देख रहे हैं 14 को पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो आपने 13 को, जो सेंटर आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर 13 को आप विज़िट करो। वहाँ पर जाके अपना शेड्यूल देखो किस दिन आपका एग्ज़ाम होना है, टाइम देखो और कोशिश करो टाइम से पहले पहुँचो। 13 को पहुँचने का आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका टाइम क्या है एग्ज़ाम का। सो इससे आपका एक तो टाइम बचेगा, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, 14 को यहाँ लिखा है एग्ज़ाम, 14 to 17 लिखा है, तो 17 को पहुँचे, 17 को स्कूल पहुँचते हैं तो टीचर कहता है भैया आपका एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, अब आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो उसके लिए हैवी चार्जेस, हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ जाते हैं बच्चों को कई बार। सो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, जिस दिन आपका एग्ज़ाम दिखा रहा है, जो फर्स्ट डेट है, उससे एक दिन पहले पहुँचें, वहाँ अपना शेड्यूल देखें और उसके हिसाब से अपना टाइम पर पहुँचें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको डाउट है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, कैसे क्या करना है, उसके लिए हमारी वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ विजिट करके उस वीडियो को पूरा देखें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिसमें बच्चे डाउट्स में रहते हैं, एक है हमारा TMA और एक है प्रैक्टिकल। कुछ बच्चे सोचते हैं दोनों एक ही चीज़ है, पर नहीं, ये गलत है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट TMA अलग है और प्रैक्टिकल अलग है। TMA में क्या होता है, सभी सब्जेक्ट्स के, आपके पास जितने सब्जेक्ट्स हैं, 5, 6, 7 जितने भी हैं, उसके सभी सब्जेक्ट्स के 20 मार्क्स के असाइनमेंट्स बनते हैं, जो कि प्रैक्टिकल से पहले सबमिट हो जाता है, ठीक है। ट्यूटर मार्क हो गया, अब है प्रैक्टिकल, जो आपके अभी एडमिट कार्ड आया, जो आपका अभी हॉल टिकट आया, प्रैक्टिकल की फाइल और ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल दोनों अलग हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, दोनों की फाइल सेपरेट बनेगी, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोनों के मार्क्स अलग अलग ऐड होते हैं। उसके बाद आपने TMA अगर सबमिट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ विजिट करो, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, नोट डाउन करो और अपने
अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने अभी भी TMA नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के लिंक्स हैं, वहां पर विजिट करें और वहां से क्वेश्चन आंसर्स अपने प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन करें और सबमिट करें अपने सेंटर में। सेकंड, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो हॉल टिकट आ चुकी है, जो भी सब्जेक्ट्स आपको वहां पे मेंशन हो रहे हैं, जैसे आप इस हॉल टिकट पे देख रहे हैं ये दो सब्जेक्ट्स मेंशन हो रहे हैं यहां पे, तो दोनों सब्जेक्ट्स की सेपरेट फाइल बनेगी। फाइल कैसे बनेगी उसके लिए हमारी सेकेंड वीडियो जो आएगी उसमें आप विजिट करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिकल जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन लेके क्या क्या जाना है, तो वहां तीन चार चीजें मैंडेटरी हैं जो ले जानी है। फर्स्ट, प्रैक्टिकल फाइल। सेकंड, आपका आईडी कार्ड जो आपको एडमिशन के टाइम पे मिला होगा। थर्ड, आपका हॉल टिकट, जिसे कुछ बच्चे एडमिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीन चीजें तो मैंडेटरी हैं जो आपको ले ही जानी है, और आधार कार्ड ले जाएंगे तो और भी अच्छा होगा, आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका एग्जाम होम साइंस का है तो उस दिन होम साइंस से रिलेटेड कुछ चीजें और भी ले जानी होती हैं, जैसे कि कुछ खाना बना के ले जाना होता है, फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाना होता है। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जिससे अगर आप ये चार पांच चीजें जो है इनको अगर नोटिस करके चलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं और आएंगे। अगर अभी भी आप परेशान हो रहे हैं, IYF एजुकेशन के साथ जुड़िए, IYF एजुकेशन श्योरिटी देता है कि आपके 80 प्लस मार्क्स आएंगे। उम्मीद है अभी तक के जितने भी आपके डाउट्स थे क्लियर हो गए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।